मतलब ऑडिशन दिया और मैं उसके तीसरे राउंड तक भी पहुंचा हूं। लखनऊ था मेरा सेंटर, वहां पहुंच नहीं पाया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो जो है कुछ स्पेशल होने वाला है। आज हमारे वीडियो में मेरे साथ होने वाले हैं एक खास मेहमान, और वो मेहमान खास इसलिए क्योंकि वो इंडियन आइडल के पार्टिसिपेंट रह चुके हैं। टाइम वेस्ट किए बिना उनको इन्वाइट करना चाहूंगा, और उनका नाम है फारूक शेख। तो मिस्टर फारूक जी, आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और लॉकडाउन है तो हमने सोचा क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। हाँ, क्योंकि घर में बैठे बैठे लोग बोर हो चुके हैं, तो मतलब अब कंटेंट भी हम बाहर से जाकर ला नहीं सकते हैं, तो घर में ही रहकर हमें कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिव बनाना है कि आपको भी मजा आया देखने के लिए और हम लोगों को भी मजा आया। तो हमने सोचा कि एक इंटरेस्टिंग सेशन, ये इंटरव्यू सेशन हमने रखा है छोटा सा। आज की बातचीत मैं शुरू करना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे को गाने का शौक है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी कल ही आपने मेरा यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। जी हाँ बिल्कुल, उस बारे में बात करेंगे हम बाद में, वो खाने से थोड़ा रिलेटेड। और मैंने काफी बार इंडियन आइडल में अपना ऑडिशन दिया है, पार्टिसिपेट किया है, और मैं उसके तीसरे राउंड तक भी पहुंचा हूं। बट ये है कि मैं वहां पहुंच नहीं पाया। जब वहां पे जाना था, लखनऊ था मेरा सेंटर, तो ऑडिशन सेंटर में पहुंच नहीं पाया क्योंकि वहां पे उस टाइम की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि 1000 किलोमीटर है यहाँ से, और मैं जाना था एक ही दिन में। अच्छा, तो ये शुरुआत कैसे हुई थी? आपने कभी इसका कुछ ऑडिशन वगैरह दिए? किस तरीके? ऑडिशन दिया था मैंने 2008 में जब इंडियन आइडल 4 आया था, उस वक्त मैंने जयपुर से ऑडिशन दिया था। इसके अलावा फिर मैंने दोबारा से जब इंडियन आइडल 5 आया तो मैंने दिल्ली से ऑडिशन दिया था 2010 में। तो क्या कुछ वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके भेजते थे या फिर फिजिकली वहाँ जाना पड़ता था? फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ता था, और काफी लंबी लंबी लाइन होती थी, बहुत लंबी लंबी। आप सुबह 6 बजे लाइन में लगेंगे और आपको 12 बजे आपका नंबर आएगा। बट जब 2012 में इंडियन आइडल हुआ था, उस वक्त आपको वेब से ऑडिशन देना था नेट के थ्रू। तो मेरी एक वीडियो बनाई थी मैंने और वो अपलोड करी थी, वो सेलेक्ट भी हो गई थी। सेलेक्ट करके मेरे को लखनऊ बुलाया गया था, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, मैं पहुंच नहीं पाया। कोई दिक्कत नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा ही मानना है। तो आपका YouTube चैनल भी बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे जिस पर आप अपनी सिंगिंग जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप इंडियन आइडल के ऑडिशन देने गए थे तो वहाँ से जुड़ी हुई क्या कुछ मेमोरीज हैं आपके पास, कुछ फोटो वीडियोज वगैरह ऐसा कुछ? मेमोरीज बस ये है कि वहाँ पे जो हमारे नंबर वाइज चिपकाया जाता है पोस्टर, वो पोस्टर मैं जरूर लेके आया था। वहाँ पर मैडम ने मेरे को रोक लिया था। मैडम बोली कि भाई आप ऐसे नहीं ले जा सकते, अलाउड नहीं है। तो मैंने मैडम से बोला कि मैडम मैं जा रहा हूँ, मेरे नंबर भी नहीं आया, तो आप प्लीज ये मेरे को ले जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाइए। उन्होंने मेरे को एक फ्लैग भी दिया था, इंडियन आइडल का जो फ्लैग होता है ना, वो भी अभी तक मैंने रखा हुआ है। अच्छा, और मेमोरी की बात करें तो उस टाइम 2007 में जब इंडियन आइडल 4 आया था, उस वक्त तो मोबाइल नहीं था भी नहीं, तो मेरे पास एक नॉर्मल सा मोबाइल था, सिंपल मोबाइल था जिससे मैं बात कर सकती। तो फोटो वगैरह तो ऐसे कुछ फोटो वगैरह ऐसा कुछ नहीं था नहीं उस टाइम। अच्छा, जब वेब ऑडिशन हुआ था 2012 में, दिल्ली से मेरा ऑडिशन सेंटर था, उसमें शायद आपकी एक गाना है। जी, सब सोनू निगम जी का मैंने गाना गाया था। कुछ लाइन है, मैं चाहूंगा आप सुनाए। कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए, तन्हा तन्हा कौन जिया है, रहकर तन्हा दिल घबराए, आ जाओ मिलके रिश्ता ये जोड़े, शर्तें बदल दे रस्मों को तोड़े, इससे पहले के ये दुनिया हमें आजमाए। हो क्या बात है, बहुत बढ़िया आवाज आपकी माशाल्लाह, मतलब इतनी मिठास आवाज में, सुरों का जो है वो बहुत ही बेहतरीन। जी, मेरे को बचपन से काफी शौक है गाने का, मैं सीख नहीं पाया। जी, सबसे बड़ी चीज ये जो क्लासिकल की तालीम लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप बिना सीखे भी बहुत बेहतरीन मतलब गा रहे हैं। मैं लता जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे वाह, लता जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। लता जी को जिसने सुन लिया तो समझो कि उसने सीख लिया। सही बात, मैं उनको सुन सुन के काफी सीखा हूँ। तो कुछ दिन पहले हमने इनका कुकिंग चैनल स्टार्ट किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो वहाँ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको मिलेंगी, और बहुत ही शॉर्ट और स्वीट रेसिपीज और अच्छी रेसिपी, मसालेदार टेस्ट जो हमारे राजस्थान के हिसाब से, जो इजी मतलब आसानी से बन जाए। राजस्थान में हम आप जानते हैं राजस्थानियों को चिक्का खाना, बिल्कुल चटपटा मसालेदार खाना हमारी जो है पहली पसंद है। तो उसी से जुड़ी हुई कुछ रेसिपीज ये शेयर करते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस हैं अभी। हालांकि इन्होंने
मोबाइल से ही रिकॉर्ड करना शुरू किया है और मोबाइल से ही एडिट कर रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स पूरे दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये, तो देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है वीडियोस। तो ये तो हुई कई सारी बातें और सवाल जवाब। अब मैं चाहूँगा आप अपना जो इंडियन आइडल का एक्सपीरियंस है थोड़ा सा वो हम लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम लोग कभी गए नहीं है, तो वहाँ हमें पता नहीं था वहाँ का क्या एग्जैक्ट माहौल होता है। बिल्कुल, थोड़ा सा बताएं। बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है जी, बहुत ही खूबसूरत। करीब में जब दिल्ली गया था 2012 में, मैंने ऑडिशन दिया था इंडियन आइडल 6 का, तो उस वक्त मैं सुबह 6 बजे लाइन में लगा था। सुबह 6 बजे लाइन में लगा, मेरा रात को 12 बजे नंबर आया था। मेरा प्यास की शिद्दत के मारे, भूख से बेहाल था मैं, अब मैं क्या ऑडिशन दूँ। जब मैं अंदर गया ऑडिशन देने के लिए, तब तक मेरा गला इतना सूख चुका था कि जैसे मैं गाने लगा तो मेरा गला टूट जा रहा था वहाँ पर, अच्छे से मैं गा नहीं पाया। और फिर वही रिजेक्शन वहाँ पे, सुबह से मैंने पानी तक भी नहीं पिया था वहाँ पे। तो ये कई सारे लोगों के साथ होता होगा, सभी के साथ, सभी के साथ। वहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइन होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। आदमी सुबह 6 बजे लगता है, रात को 12 बजे नंबर आता है उसका। मतलब बहुत से लोग तो जो टैलेंटेड होते हैं वो ऐसे थक हार के बेचारे चले जाते हैं, कुछ तो बेचारे लाइंस चले जाते हैं। बहुत ही मुश्किल है नंबर आना। अच्छा अच्छा, और शूटिंग का क्या रहता है वहाँ पे? शूटिंग का बहुत ही खूबसूरत माहौल रहता है, जैसे हम लोग जी हम लोग देखते हैं जब वो शुरू होता है, तो बताते हैं कि लाइन लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, वो सेलिब्रिटी बीच में आकर उनके जो गिटार बजा के गा रहे हैं गाना, और ऐसे बहुत सा जो फर्स्ट वाला भाव होता है जब हम 0 राउंड में जाते हैं, वो तो बिल्कुल एडिट कर दिया, काट दिया जाता है। जब हम टीवी पे देखते हैं तो वो 3rd राउंड होता है। अच्छा, 3rd राउंड होता है वीडियो के लिए, जो आप टीवी पर देखते हैं उस वो दिखाया जाता है हमें। तब तक तो काफी भीड़ छट चुकी होती है। अच्छा, मान लीजिए 1,00,000 लोग ऑडिशन पे गए, तो उनमें से सिर्फ वो 20,000 को छानेंगे, फिर दूसरे में राउंड के लिए उसमें से 10,000 रह जाएंगे, दूसरे के लिए 5,000 रह जाएंगे। इस तरह से जब आप वो देखते हैं तो काफी कम लोग हो जाते हैं, वो फाइनल चीज दिखाते हैं, वो फाइनल दिखाते हैं इस तरह से। तो अच्छा, वहाँ से आप सेलिब्रिटीज से मिले होंगे काफी? बिल्कुल, अभिजीत सावंत से मिला हूँ, प्राजक्ता शुक्ले, चांग से मिला हूँ, दीपाली, क्या बात है, काफी सारे लोग हैं। और हमने अभिजीत सावंत और प्राजक्ता शुक्ले मेरे सामने ही बैठे हुए थे, और हाँ हमने उनके साथ गाना भी गाया, वो लोग गिटार बजा रहे थे, चांग मेरे सामने बैठा हुआ था, दीपाली बैठी हुई थी। तो वहाँ काफी माहौल बहुत ही प्यारा होता है, सभी लोग अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत माहौल होता है। हाँ देखा है हम लोगों ने तो टीवी पर देखा, क्योंकि कभी ऐसा रूबरू देखने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल रूबरू गया हूँ, और जैसे कहते हैं ना कि भाई आपको ऑडिशन के पैसे देने पड़ेंगे, कुछ ऐसा नहीं होता, एकदम फ्री होता है सब कुछ। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वो आपको सेंटर बता देंगे, जो भी आप सेंटर चाहेंगे चूज कर लेंगे वहाँ से, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, जो भी महानगर आप चूज करना चाहते हैं। इसके अलावा फिर आपको वो ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, वहाँ पर पहले 0 राउंड होगा, 1st राउंड होगा, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद होता है 3rd राउंड, जो जजेस सेलेक्ट करते हैं उसमें। तो सेलिब्रिटी जज तो है मेरे ख्याल से जब वो टीवी वाला जो राउंड होता है, जो हम लोग देखते हैं 1st राउंड, बिल्कुल बिल्कुल सेलिब्रिटी जज तभी होते हैं, उनको इतना भीड़ भड़का नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ वो बिल्कुल चुनिंदा लोगों को ही ऑडिशन में लेते हैं। जो इससे पहले के 0 और 1st राउंड होते हैं, उनमें जो लोकल वहाँ के टीचर वगैरह होते हैं जी, वही अपना पूरा ऑडिशन लेते हैं। तो काफी अच्छा लगा आपसे इतनी सारी जानकारी जो है हमें मिली। मुझे भी आपसे काफी जानकारी मिली। ओके, मुझे बहुत सारी जानकारी मिली, मैं भी आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वक्त निकाल कर हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन को। अभी तो लॉकडाउन है सर, बहुत सारा अभी तो काफी वक्त ही वक्त है, वक्त ही वक्त है। अभी तो हम इतना फ्री बैठे हुए हैं कि सोचते हैं कि मतलब वक्त की कमी नहीं है, लॉकडाउन है, बस हम चाह रहे हैं वक्त कटे कैसे, वक्त कटे कैसे, वक्त काटे ना कटे। वैसे वैसे मैंने जो है एक चीज देखी है इस पूरे जो अभी एक महीना जो गुजरा है, घर में लोग कहा करते थे कि हमारे पास कोई नई चीज सीखने के लिए टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। अब इतना वक्त था हमारे पास कि कई सारे लोगों ने कुछ नई चीजें सीखी होंगी, और हम जो सोचते थे ना कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये काम जरूर करूंगा, तो वो काम किए होंगे, मेहनत तो की है। और लोग पहले बोलते थे कि बी बच्चों के लिए टाइम नहीं है जी, आज इतना टाइम है कि लोग कह रहे हैं मुझे मेरी बीबी से बच्चा तो मतलब बहुत ही कहने को तो कई सारी, एक तरफ जहाँ परेशानियां देखने को मिलती है, वहीं एक तरफ बहुत हसीन पल भी हैं, हसीन पल जो हम अभी अपनी फैमिली का बिता रहे हैं। बिल्कुल, और ये वक्त हमें मांगे नहीं मिलता था जो आज फ्री में मिल रहा है। खैर, उम्मीद करते हैं कि ये लॉकडाउन भी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को कुछ एक नया गाना सुनाएं। अरे बिल्कुल, हाँ तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे। चलिए, अब आप पूछ रहे हैं तो मेरी फरमाइश पे आप अपने शहर कोटा में जो फिल्म की शूटिंग हुई थी बद्रीनाथ, उसी से कोई एक गाना सुना दीजिए। ठीक है। मैं तैनु समझावा की न तेरे बाजू लगदा जी,
दुखी जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। क्या बात है, और मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। तो मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट करके बताएं कि गाना कैसा लगा, और क्या हमें अगली कोई ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं इनको सुनना, तो हम एक बार फिर से एक वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाएंगे। आपके क्वेश्चन और आपके थोड़ा सा मतलब एक हिंट दीजिएगा किस तरीके का वीडियो हमें बनाना चाहिए। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आगे आपसे कि अभी जो ये लॉकडाउन का जो पीरियड है जी, तो काफी सारा टाइम है आपके पास जी, तो आपका जी आपका दिन कैसे निकलता है? मतलब कैसे निकलता? बस पूछिए मत साहब कैसे निकलता है। बर्तन धोने से स्टार्ट होता है शाम को कपड़े धोने तक यही हाल कुछ हमारा है। पूछिए मत आप, जब हम काम से वापस आते थे जी, तो पानी का गिलास भी नहीं पिया जाता था। आज पानी का गिलास भर भर के दोस्तों को पिलाना पड़ रहा है। बहुत बुरा हाल था। तो मतलब कितना बदल के रख दिया है बहुत ज्यादा जिंदगी को इस लॉकडाउन ने। अच्छा, जैसा कि आपको पता ही होगा, थोड़े दिन पहले हमने अपने जो बॉलीवुड के दो लीजेंड है उनको खो दिया। पहले है इरफान खान और ऋषि सर, बहुत ही लेजेंडरी एक्टर्स हैं जी जी। ऋषि सर कितनी बड़ी बड़ी फिल्में थी उन्होंने अपने बचपन में, बहुत ही ज्यादा मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं। बिल्कुल सर, इरफान खान जी जी, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक का सफर तय किया उन्होंने। बिल्कुल, बहुत ही लेजेंडरी एक्टर थे। उन्होंने अपने भारत इंडिया की जो है अलग ही पहचान दी थी पूरे देश में। और ऋषि सर सबके फेवरेट हैं जी। बिल्कुल, मैं भी बचपन से उनकी फिल्में देखते बड़ा हुआ, और इरफान खान सर की भी बहुत बड़ा फैन था मैं। अभी फिलहाल अभी थोड़े दिन पहले जो अंग्रेजी मीडियम मूवी आई थी वो देखी थी मैंने। उनका काम जो है बहुत बेहतरीन एक्टर थे। तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा जब ये खबर सुनी। ऋषि सर का जब मैंने देखा मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा कल ही एक लेजेंडरी एक्टर गया है और फिर आज दूसरा। मैंने सोचा किसी ने फेक खबर डाल दी शायद। हाँ, मुझे भी ये यकीन नहीं हुआ पहली बात तो। लेकिन फिर जब अब न्यूज चैनल्स पर ये खबर आई तब बहुत ज्यादा अफसोस हुआ बहुत जी। ऋषि सर हमारे बीच में नहीं रहे जी, तो एक गीत मैं उनके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। जरूर, आप समझिए कि एक श्रद्धांजलि है जी। जाने वाले ओ जाने वाले, किया तुझे हमने, किया तुझे हमने खुदा के हवाले। जाने वाले ओ जाने वाले। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को अब यहाँ पे क्लोज करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखकर। तो अगर आपको फारूक जी की आवाज़ पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ये गाने का चैनल स्टार्ट करें सिंगिंग का प्रॉपर तरीके से, तो बताइए कमेंट करके। आने वाले दिनों में हम इनका एक अलग चैनल बनाएंगे जहाँ ये बहुत सारे खूबसूरत गीत आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलेंगे आपसे ऐसे किसी अच्छे एंटरटेनिंग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। बाय।